प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, क्योंकि हमने इसके वर्ड मीनिंग और बुक वर्क किया है। इसका क्वेश्चन है पहला, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। पैट्रिक को क्या पता था कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेलती थी, लेकिन असल में वो क्या था, क्या लगा उसको कि वो उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है। उसको लगा कि उसकी बिल्ली जो है किसके साथ खेल रही है, एक गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन असल में वो क्या था, वो एक एल्फ था, एक छोटा सा जिन था। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है, ये हमारा डेट आज का है 3/5/2021। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसका मैं आंसर आपको एक यहाँ पे लिखवा लेती हूँ। ये पहला क्वेश्चन हमारा, मैंने आपको पढ़ के अभी सुना है, इसका आंसर मैं लिखूँगी। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए डॉल। उसको लगा कि ये मेरी जो गुड़िया बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है, गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन क्या था वो, इट वॉज नॉट ए डॉल बट एन एल्फ। क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड द ओल्ड लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। जो ये छोटा सा इंसान था, ये जिन था, इसने पैट्रिक को एक विश क्यों दी, ताकि वो उसको वापस उस बिल्ली को ना सौंपे। तो हम लिखेंगे द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश so that he would not give him back to the cat. Question number three, what was Patrick's wish? Patrick क्या चाहता था, Patrick की wish क्या थी। एक ही विश थी इस टाइम उसकी, और वो थी कि उसका कोई होमवर्क करे। द पैट्रिक्स विश वॉज दैट द लिटिल मैन would do the little man would do all his homework till the end of the semester, ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, चौथा है इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क करने में उस छोटे इंसान को किस किस सब्जेक्ट में इसकी मदद की ज़रूरत पड़ गई। अगर हम पढ़ें, अगर हमने पीछे पढ़ा भी है कि लगभग मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट्स में इसको इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है ना, क्योंकि इसको जब तक ये समझा रहा नहीं था तब तक इसको काम करना आता नहीं था। तो हम क्या लिखेंगे, द लिटिल मैन
needed help in every subject to do Patrick's homework. आज मुझे लगता है इतने काफ़ी हैं, कल हम इसके बाकी, क्योंकि थोड़े से बड़े पड़े हैं ये, कल हम ये दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाकी जो बुक वर्क हमारा होगा उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। आज काफ़ी है।